होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त जबरदस्त। तो दोस्तों रोशित राज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है और हो रहा है मॉर्निंग के 9:30 बजे से। तो दोस्तों रोज की तरह ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले दिखाते हैं आज का मौसम और फिर करते हैं आगे को ब्लॉग कंटिन्यू। तो आज के नाश्ते में है पॉपकॉर्न, तो फटाफट से ना नाश्ता कर लेते हैं। आज पॉपकॉर्न ही बनाया है। तो दोस्तों टीवी तो चल रही है मेरी, बट ना डिम लाइट है, डिम लाइट में टीवी तो चल ही रही है, बट ना फ़ोन में चार्ज बिल्कुल नहीं है। तो देखते हैं आगे को कब तक लाइट आती है फुल। कल भी आई थी फिर चली गई थी, अभी भी ना डिम ही लाइट आई है यार। तो मैं आ गई हूँ किचन के रूम पे, फटाफट से ना झोली बनाते हैं। झोली बनानी है आज और बनानी है दाल भात। तो ना पहले झोली चढ़ा देती हूँ फिर चढ़ाती हूँ भात। तो दोस्तों हल्की हल्की बारिश ना फिर से लग गई है और इस बारिश में क्या ही ब्लॉग बनाया जाए यार। इस बारिश में क्या ब्लॉग बनेगा, अंदर ही अंदर हुए क्योंकि बारिश पे बाहर तो जा नहीं सकते। आप लोग भी आजकल बोर हो रहे होंगे, बट यार दोस्तों मैं भी कुछ नहीं कर सकती ना क्योंकि ना बारिश हो रही है, देखो हल्की हल्की तो क्या ही हो रही है। और ना फिर से आज बंदरी के बाल्टियाँ लग गए यहाँ, हर रोज का यही वो हो रहा है आजकल। तो देखो सब गीला हो रखा है, फर्श वगैरह वगैरह ना खेत वेत सब गीले हो रखे हैं आज। तो दोस्तों अभी मैं खा रही हूँ दूध भात, हमारा भात बन चुका है और अभी मैं खा रही हूँ दूध भात। देखो फरफरान भात हो रखा आज। तो हमारा बन चुका है टेस्टी टेस्टी लंच और बनाया आज मूली प्याज की झोली और चावल और साथ में चला है मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो खाना वाना खाने के बाद हम खा रहे चॉकलेट, वो भी डेयरी मिल्क। तो इसको फाड़ते फटाफट से क्योंकि ना गल रही है ना, तो इसी को खा लेते हैं पहले। हमारे घर की फर्स्ट ककड़ी, ये देखो ये सेकिन होती बट हमने फर्स्ट ककड़ी खाई नहीं है इसमें से। वो ना इससे दुगनी हुई थी, ना बंदर उठा ले गया यहाँ से, हम सब अंदर थे वो खा गया। और अभी ना फूल बैठ रहे हैं, तो ये हमारी ना फर्स्ट ककड़ी होगी घर की। और ना हमने तोरियाँ के पेड़ लगाए हैं, देखो तोरियाँ के पेड़ फिर से जम गए हमारे कंटर में। और फूल देखो, फूल के बगीचे, ये देखो फूल के बगीचे ही बगीचे। तो मैं ले चलते हैं आप सबको अपने खेत में फिर से। ये मिर्ची के पेड़ छोटे छोटे हुए हैं, ये पहले वाली मिर्ची है, ये देखो शिमला मिर्ची तोड़ दी यहाँ दे। और मिर्ची के पेड़ देखो इतने बड़े हो गए हैं, मिर्ची भी इस बार लगने लग गई है मम्मी, मिर्ची लगने लग गई। तो वहाँ पे फल आ गया है। और ककड़ी के पेड़ देखो यहाँ पे, यहाँ यहाँ बम्पर ककड़ियाँ लगी है, अभी उस साइड भी हमारी ककड़ियाँ। और भिंडी हमने परसों ही तोड़ी है। और इस पेड़ में मिर्ची देखो भाई कितनी लगी है, कितनी ज़्यादा। अचार डालेगा इस बार मिर्ची का, पिछले बार तो कई बार आधा डब्बा डाल के गई थी मलमोला। और आलू ना हमारे पक के ख़त्म हो गए, देखो थोड़े से दाने बचे हैं, ये भी मैं रोज़ खा लेती हूँ। और नींबू देखो, नींबू कुछ हो गए इतने बड़े, नींबू में फल। और ना एक दाना देखो नारंगी या माल्टा है क्या मुझे भी नहीं पता, परसों तन्नू ने दिखाया। और हमारा नींबू देखो अभी भी ना फल आ रहा है, अभी भी नींबू में फूल बैठ रहे हैं देखो, मतलब अभी भी ना फल आ रहा है इसमें। और दाने कुछ इतने बड़े हो गए हैं। और माल्टा तो लगी रखे हैं। और व्यू देखो कितना प्यारा, सुबह से मतलब मौसम ना ऐसा ही है, धूप मतलब लग रही है धूप लगी है जैसे, बट ना मौसम ऐसा हो रहा है। देखो कितने प्यारे बादल लग रहे हैं यार, काश मैं इनको भी खा लेती। सर चलते हैं उधर को। और उगल भी हमारा इतना हो रहा है। और शिमला मिर्ची तो लगते रह रहे, तोड़ते रह रहे, लगते रह रहे, तोड़ते रह रहे। और आज ना बैगन, एक थाली बैगन अंदर चले गए हैं, तोड़ दिए हैं। और घास देखो भाई, घास घास ही घास, घास घास हर जगह घास ही घास हो रखा है यार। यहाँ देखो घास घास घास, इसके नीचे घास ही घास। मेरा सिरू क्या कर रहा है अंदर अकेले अकेले, अकेले अकेले क्या कर रही हो तुम? चॉकलेट खाया? खाया, बाहर जाना है, बाहर नहीं जाना आज, नहीं जाना बाहर हैं, नहीं जाना बाहर, बाहर नहीं जाना है तुमको आज, नहीं जाना है बाहर, बाहर नहीं जाना है इसको बाहर। तो मैं गड्डू को लेके आ गई बाहर और सांस में लेके आई उधर आती, क्योंकि ये झाड़ काटने वाली है। बच्चे इतना लग रहे ना स्कूल से आते टाइम जैसे इनकी पड़ गई 6 महीने की छुट्टियाँ, ऐसी खुश हो रखे हैं। तो इतना घास हुआ है देखो, और ये सब ना बिमला चाची के लिए है, ये ले तो ये काटेगी घास। तो अभी चल रही है इवनिंग का नाश्ता, उसमें है आम और है रोट और ये है हलवा। ताई आई थी वो लेके आई है, उनका दूध चढ़ाया ना तो उसका प्रसाद लेके आई है। तो हम आ चुके हैं फिर से रोड पे, ये साथ में आई है, ये क्यों आए हैं सामान लेने के लिए। आ चुका है हमारा 1 महीने का राशन, 1 महीने से ज़्यादा ही चलेगा। अच्छा ये कहाँ से लगा दिया ये,
डिग्गी टाइट हुई है बोल रही थी, वो खुल नहीं रही है सच में। खुल गई। ओ माय गॉड, क्या हुआ है डिग्गी को? तो दोस्तों एक महीने का राशन, एक दो तीन कैसे जाएंगे यार, ये तो बहुत भारी लग रहा है। तो ले चलते हैं फिर बताते हैं क्या क्या है। तो मैंने ना सारा सामान निकाल दिया, हमें दुकान लगा दिया है। तो फटाफट से ना लिस्ट में देखे ना सामान, देख लेते हैं कितना आया है, कितना गलत आया। तो ये गलत आ गया हमारा, अगरबत्ती नहीं आया, ये आ गया। तो दोस्तों आज कर रहे हैं भात फ्राई, दिन का बचा है। और मैंने ना प्याज टमाटर काट लिया, आटा गूंथ रहे हैं, और बैंगन की सब्जी बन गई, और दलिया चढ़ गया, और है झोली। तो फटाफट से ना इसको भी चढ़ा लेते हैं।